बेगूसराय के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर आज जन्मदिन में जो है तीन तीन लोगों को जो है तीन तीन संगठन को जो है यहां पर अभिराम सिंह जो कि सिटी हॉस्पिटल के संस्थापक हैं उनके द्वारा जो है दान किया गया है, जहां छः छः धूर जमीन जो है अपनी खुद की कमाई से जो है यहां तीन संगठनों को जो है इन्होंने दान किया है। सब उसमें है ना, तीन अठारह अठारह धूर जमीन दे रहे हैं सबको। अरे भैया, कर्ण कहा था जब कृष्ण कहे थे चलो तुम दुर्योधन की तरह चल जाओ, तो वो कहा था कि मैं धन को मैं धूल समझता हूँ। और आज इन्होंने जो दान दिया है खास करके बेगूसराय में, तो ये बेगूसराय का दान बहुत दूर तक जाएगा। ये बहुत ही पुण्य का काम किया गया है। इन्होंने छह धूर जमीन कार्यालय के निर्माण हेतु दिया है। ये बहुत ही उम्दा दान आज के समय में। सबसे पहले आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोग जो आए हैं हमसे प्रेम स्नेह रखने वाले सभी हमारे साथी एवं जो मीडिया के बंधु हैं सभी को अभिराम सिंह राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय महानगर प्रधान महासचिव सह डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल बेगूसराय आप तमाम लोगों को स्वागत करता है, एहतराम करता है। उसमें है ना तीन अठारह अठारह धूर जमीन दे रहे हैं सबको। अरे भैया, कर्ण कहा था जब कृष्ण कहे थे चलो तुम दुर्योधन की तरह चल जाओ, तो वो कहा था कि मैं धन को मैं धूर समझता हूँ। और उसी में एक प्रसंग है कि कनकावों के प्रसादों के कनकाव शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर। प्रसाद जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं ना उसके जो ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, प्रसादों के कनकाव शिखर होते हैं कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न रहता है। ये बात जो होता है गरुड़, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर वह न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। अर्थात बेगूसराय में खुल गया उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल शिवायु, जहां एम्स दिल्ली के दो प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से सभी आंख संबंधित रोगों का होता है बेहतर इलाज, जैसे सफेद एवं काला मोतियाबिंद, फेको सर्जरी, रेटिना सर्जरी एवं आधुनिक चश्मा। हमारा पता है बाघा मिलन चौक बेगूसराय बिहार। मान लीजिए दान किए हैं वो टिप टॉप का खर्चा बचा करके, हमारा मैडम भी इसको भी गहना से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है, हम ये जानते हैं, थोड़ा नखरा दिखा रही थी अभी लेकिन इसको भी दान में बहुत आनंद आता है। अच्छा। समझ गए। किन किन संगठनों को आपने दान दिया है? मैं जिस काम को भी करता हूँ, आज हमारा सिटी हॉस्पिटल भी लगभग 5-6 जिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा दे रहा है, गरीबों को, मजलूमों को, जो आयुष्मान कार्डधारी हैं जिनको पैसे नहीं हैं, बाकी सर्जरी के क्षेत्र में, बाकी कार्डियक के हमारे डॉक्टर रजनीश हैं, इनको भी, जितना भी हमारे सिटी हॉस्पिटल के टीम में है सब लोग धन को धूरी समझने वाले लोग हैं। तो मानवता का सेवा लगातार हम करते हुए और उसी तरह के सोच से प्रेरित होके जो और लोग जो हैं, जो जुनूनी लोग, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे हमारा राजपूत जागृति एकता मंच हो, ये लोग सब जमीन जत्था वाला लोग हैं, कंफर्टेबल लोग हैं। ये दूसरे के जिंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए ये लोग निकले हैं। दिया है दान तीन संगठन। थोड़ा धूर जो है इसमें आपको इंकित है इसका साइज, जमीन का 12 फीट के सड़क पर है, जो कि सड़क का 2 फीट अराजी छोड़ करके, चूंकि 12 फीट में दो दिए ये राजपूत जागृति एकता मंच को दिए हैं। प्लॉट का साइज जो है 29 फीट गुना 18.2 फीट अर्थात 528 वर्ग फीट। छह धूर हुआ, ये किसको दिया? दूसरा छह धूर जिला राष्ट्रीय जनता दल एवं महानगर, जिला राष्ट्रीय जनता दल एवं महानगर राष्ट्रीय जनता दल को संयुक्त रूप से ये जमीन, इसका भी साइज 27 गुना 18 अर्थात 528 वर्ग फीट। एक और तीसरा जमीन जो है यहाँ दान किया जी, तीसरा जो है जो जमीन दिए हैं वो ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन को दिया है, उसका भी साइज जो है 27 फीट गुना 18.2 फीट अर्थात 528 वर्ग फीट दिया गया है। तो लगभग तीनों लोगों को दिया है ना स्वेच्छा से, दबाव में नहीं दे रहे हैं अभी, तो हम लोग तो हजार लोग के बीच में चीकर के बोल रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं आज जन्मदिन के अवसर पर जो है
अभिराम जी जो है, एक तो पहले राजद भक्त भी कहे जाते हैं, तो आज अपनी भक्ति को दिखा दिया। जहां पर अपने पार्टी के लोग भटक रहे थे उनको भी इन्होंने सहारा दिया। और यहां पर एक संगठन के लोग हैं, आपके कौन से संगठन चलाते हैं? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह हुआ और मैं राजपूत एकता जागृति मंच का जो है सो हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। और अभिराम जी भी राजपूत एकता जागृति मंच से जुड़े हुए हमारे जो है वरिष्ठ साथी हैं। और इन्होंने राजपूत एकता जागृति मंच का बुनियाद डाला खगड़िया में। हम लोग कंधा से कंधा मिला के बुनियाद डालने का काम किया है। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर प्रशांत कश्यप, DM कार्डियोलॉजी। जहां हो छाती दर्द, सांसों का फूलना, चक्कर के साथ बेहोश होना, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना या फिर बिना कारण पसीने आना, हार्ट अटैक और घबराने जैसी समस्याओं का होता है बेहतर इलाज। साथ ही उत्तर बिहार में पहली बार वर्ल्ड क्लास फिलिप कैथ लैब मशीन से होगा आपके बीमारियों का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर दिनेश सिंह, ज्योति कुंज, पी स्कूल के सामने, TV टावर के नजदीक, बेगूसराय। राजपूत समाज में जो विकृति है उसको हम लोग चाहते हैं सुधारे। और आज इन्होंने जो दान दिया है खास करके बेगूसराय में, तो ये बेगूसराय का दान बहुत दूर, एक तरह से हमारा जो राजपूत एकता जागृति मंच है इसका ये प्रदेश कार्यालय का मुख्यालय यहाँ पर जो है बनने जा रहा है भविष्य में। तो इसकी शुरुआत हमारी जो है सो मैडम जो है ये छत्रानी की, वीर छत्रानी की जो है रोल अदा की है। और हम चाहेंगे कि आज अभिराम बाबू का जन्मदिन भी है और इनको राजपूत एकता जागृति मंच के तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत हमारे बीच एक और संगठन जिनको दान मिला है, सर आपका कौन सा संगठन? हमारा ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन है और बेगूसराय इकाई को भाई अभिराम जी और मैडम के द्वारा आज बहुत ही पुण्य का काम किया गया है। इन्होंने 6 धूर जमीन कार्यालय के निर्माण हेतु दिया है। ये बहुत ही उम्दा दान। आज लोग जब एक एक पैसे के लिए आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 1 धूर 2 धूर जमीन के लिए आपस में भाई भाई की हत्या कर देता है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हैं, उस स्थिति में आज इन्होंने बहुत ही पुण्य का काम किया है। किसी भी संगठन के, तीनों संगठन को इन्होंने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। एक संगठन को तो लोग देता नहीं है और आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं। अभी देखते होंगे सर्वे का काम चल रहा है, सब जगह खून खराबा हो रहा है, लोग एक एक धूर जमीन के लिए मर्डर कर रहा है, भाई भाई की हत्या कर रहा है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। राम जी को पहले जन्मदिन का मुबारक हो और दान देने के लिए तो विशेष बधाई हो, क्योंकि रुपया तो बहुत आदमी कमाता है लेकिन डोनेट करने का जो है ना हिम्मत, वो अभिराम जी अभी दिखाए, ठीक है। इनसे ज़्यादा बहुत आदमी का होगा यहाँ पे संपत्ति या खरीदा होगा, लेकिन किसी का आप नहीं देखे होंगे, आप भी मीडिया कर्मी, ठीक है। इनका ये बिहेव हमेशा हॉस्पिटल में भी रहता है, हम लोग को भी बोलते हैं कि सर पैसा नहीं है लेकिन इसका इलाज होना चाहिए। सबसे पहले अभिराम जी को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। साथ में उन्होंने महान काम किया है जमीन दान देकर, मतलब बचपन में पढ़े थे धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। दान जो है ना सबसे उत्तम गति है। इन अभिराम जी इसलिए महान काम किया, समाज के लोग देखे और आगे ऐसा काम करते रहे। आज का दिन अभिराम जी के लिए नहीं कहे, बढ़ते रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, हम यही कामना भगवान से करते हैं। और मेरे साथ तो वो पार्टनर भी हैं हॉस्पिटल में, और राजद के यहाँ पे राजद के लिए दान दिए, राजपूत जागृति मंच के लिए दान दिए, और हमारे MLTA एक मेरा संगठन है उसके लिए भी दान दिए हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है और ऐसे महान पुरुष कभी सदियों में एक आदगो होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिराम जी को। इसी अभिराम जी को शुभकामना देते हैं जन्मदिन का और इतना बड़ा नेक काम करने के लिए, आगे भी करते रहेंगे। इनका शुरू से ऐसा विचार रहा है, कोई भी मरीज आया है, पैसा रहे नहीं रहे, किसी को भी बिना इलाज के लौटने नहीं देते। इनका शुरू से ऐसा स्वभाव रहा है, पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। गर्व हो रहा है कि अभिराम बाबू जैसा साथी कदम से कदम मिलाने वाले, हम इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना देते हैं। और जब से मैंने इनके साथ हम जुड़े हैं, हमको लग रहा है कि हमारा अपना एक भाई हमको मिल गया है।
और महानगर परिवार में एक नया उत्साह है, नया उमंग है। हम इनकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देते हैं और मैडम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। वैसा जिगरा वाला होना चाहिए, जो जमीन दान छोटा मोटा दान नहीं हुआ, ये महादान हुआ। मैं फिर से मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।